मेरा नाम है शेख अब्दुल वाहिद, मैं हैदराबाद ऑटो ड्राइवर आज शालीपन था। कहाँ रहते हैं भैया? रहने वाला उप्पूगुड़ा, आरन ज्योति कॉलोनी उप्पूगुड़े का रहने वाला हूँ और ऑटो चलाते हूँ। आज मेरे को शालीपन है, आज चौरस्ते के ऊपर मेरा ऑटो पकड़ ली। मेरी गलती क्या है सो मैं आपको बता देता हूँ। मैं तो, मेरी कोई गलती नहीं है, सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहना हूँ। यूनिफॉर्म नहीं पहनने की वजह से मेरी गाड़ी को रोक लिए। रोक लेके इंस्पेक्टर साहब क्या बोले, गाड़ी की चाबी दो। जैसा कि खुद की प्रॉपर्टी है, जबरदस्ती से मेरी गाड़ी खींच ली है, चाबी के साथ में मेरी गाड़ी ले ली है, लेके जाके पीएस में डाले। बोले चलो पीएस को, पीएस चले गए हम। कौन सा पीएस है भाई? पलकनुमा पीएस। गाड़ी कहाँ पकड़े गए आपकी? शाली भंडा एक्स रोड, आप वीडियो भी चेक कर ले सकते हैं वहाँ पे। ना मेरी गाड़ी में मैं ताना अकेला हूँ, कोई पैसेंजर नहीं, कोई मैं नोवी स्टॉप पे भी नहीं खड़ा। मैं सीधा चल रहा हूँ, जवान भाग लेते आके मेरी गाड़ी में बैठ गए। बैठने के बाद में फलकनुमा पीएस गया। पीएस जाने के बाद मैं क्या करा, मेरे मेरा पहले लाइसेंस शो करा। मैं आपको भी बता देता हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पूरा हैदराबाद शहर से रहता हूँ। TS-05 की गाड़ी है तो क्या जुल्लूम है, तेलंगाना की गाड़ी नहीं होती हो। चलो वो मेरा लाइसेंस भी आपको बताता हूँ। ये देखिए मेरा लाइसेंस है, लाइसेंस 234 का है, वो भी है, आप चेक कर ले सकते हैं। देखिए कट कर लेता हूँ। मेरे पास 234 का लाइसेंस है, हैदराबाद शहर से रहने वाला हूँ मैं। ये देखिए 234 लाइसेंस है और ये रहे मेरे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैं पीएस में शो करा। साहब मेरे पास गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, ये देखिए परमिट है, ये रहा मेरे पास ओरिजिनल आरसी और ये रहा फिटनेस, ये फिटनेस की स्लिप। और इतना सब बताने के बावजूद भी मेरे को आज फलकनुमा पीएस वाले मेरे को एक यूनिफॉर्म और गाड़ी नो एंट्री की वजह से चालान दिए। अगर जी मैं एक ऑटो ड्राइवर अगर सी यूनिफॉर्म एक टाइम पे नहीं पहना तो उसका इतना बड़ा क्या जुल्म है साहब? 1000 रुपये का कोर्ट को भेजेंगे, 3 दिन परेशान करेंगे एक यूनिफॉर्म के वास्ते, गाड़ी शीश करेंगे आप? ये कौन सा कानून है केसीआर साहब? तेलंगाना गवर्नमेंट तो इतनी अच्छी जबरदस्त है लेकिन ये गरीब ऑटो मजदूर के ऊपर इतना जुल्म तो कैसा होगा बोलो? ये देखिए आपको मैं बोलो, ये फलकनुमा पीएस की स्लिप देखो, स्लिप क्या है हमारी यूनिफॉर्म ने और TS-05 गाड़ी नलगोंडा की गाड़ी हैदराबाद में आवल को नो एंट्री का चलन, गाड़ी हमारी खींच करे। हमारे केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर माशाल्लाह बहुत अच्छे है लेकिन डेवलपमेंट की बात आई तो हमारे डेवलपमेंट में क्या करे आप बताओ? सिर्फ पुलिस वालों की लाइफ सुधारे तुम, पुलिस वालों की, ऑटो ड्राइवरों को क्या करे, गरीब मजदूर को क्या करे, खाली जुलूम करे, 2 साल से लॉकडाउन करे, खाली 2 साल से लॉकडाउन करे, ऑटो ड्राइवर फाइनेंस कैसा बनेगा, घर का पेट कैसा चलेगा? तुम एक यूनिफॉर्म के लिए, एक यूनिफॉर्म नहीं पहने तो आप हमारी गाड़ी शीश करके मेरे को 3 दिन से मेरी गाड़ी परेशान कर दे रहे, ये क्या है, कौन सा इंसाफ है आपका? खैर तुम किसका भला कर रहे हो आप ये बोलो? डेवलपमेंट की बात आ रही, अन्ना ऐसा करे, अन्ना वैसा करे, अन्ना कुछ भी नहीं कर रहे, गरीबों को परेशान कर रहे। मैं प्रूफ दे रहा हूँ, दलील दे रहा हूँ, फलकनुमा पीएस की स्लिप बता रहा हूँ, ये देख लो फलकनुमा पीएस की स्लिप। आज मेरी गाड़ी शीश हो गई, मेरे पास लाइसेंस भी है, बता दो लाइसेंस है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, हर चीज है, फिर भी मेरी गाड़ी एक यूनिफॉर्म के लिए शीश कर रहे हैं। देखो ना लाइसेंस भी है, ये मेरे पास लाइसेंस है, ये देख लो 234 का लाइसेंस है, ये मेरे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स है, ये देख लो गाड़ी का परमिट भी वैलिड है, ये गाड़ी की आरसी भी है, ये गाड़ी का फिटनेस स्लिप है। इसके बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस वाले फलकनुमा वाले इतना जुलूम कर रहे, क्या है इसका मकसद है? ऑटो वालों से ऐसी क्या दुश्मनी है? ऑटो वाले किसका क्या बिगाड़े ऐसा? अरे एक ऑटो ड्राइवर ने, सब ऑटो ड्राइवर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब, हम गरीब कुछ नहीं कर से, हम हमारे हाई बदवा दिल से देते हैं। और 2023 में आपका इलेक्शन आता ना, उस टाइम पे ऑटो ड्राइवर क्या चीज़ है आपको बताते? अब जो भी हैदराबाद में तेलंगाना में जो राज कर रहे हैं ऑटो ड्राइवरों की बदौलत है। अगर सी ऑटो ड्राइवर आप फिर आपको बता देंगे 2023 में हम लोग क्या चीज़ है आपको अच्छे से,
सहे रे बहुत जुलूम, 10 साल से हमारा जुलूम सहे रे। आपसे तो अच्छी कांग्रेस सरकार अच्छी थी, कांग्रेस सरकार 2005 में ऑटो ड्राइवर यूनिफॉर्म नहीं पहने तो 50 रुपए का चालान देती थी। आज आपकी गवर्नमेंट अगर से यूनिफॉर्म नहीं पहने तो 1000 रुपए का चालान दे रही। आपकी ये गवर्नमेंट पहले 50 रुपए, चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब थे उस दौर में भी 50 रुपए ऑटो ड्राइवर को चालान होता था। क्या गाड़ी के पेपर रहो या लाइसेंस रहो या यूनिफॉर्म न करो, कुछ भी चीज नहीं तो सिर्फ 50 रुपए का चालान करके छोड़ते थे। आज 1000 रुपए का चालान कर रहे, गाड़ियों का किराया नहीं निकल रहा, डीजल के पैसे नहीं।